सरसो रुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽवतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तु ते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिव्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करि चरण बंद निज हरित विघ्न नाथ। अभीष्ट गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को हम प्रणाम करते हैं। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे वेणु गीत को ऊपर में। भगवान कृष्ण के चार माधुर्य है, चार माधुर्य में उसमें एक माधुर्य है वेणु माधुर्य, जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंध में सुंदर रूप में वेणु माधुर्य की वर्णना करते हैं। भगवान की जो वेणु माधुर्य है उसका अलग अलग नाम है। बोले उनका जो बंसी है तीन तरह का बंसी है, हाँ, और एक है उनकी मणिमयी बंसरी जो बनती है मणि से बनती है, दूसरे में सोने में बनती है एक है, और तीसरे बनती है बांस से बनती है। उनका जो बंसुरी तीन तरह का उनकी बंसी है। कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं उसका जो आवाज है वो भी अलग अलग है, इसलिए कृष्ण कभी ऐसे बंसी बजाते हैं जो सन्मोहिनी विश्व ब्रह्मांड को जो सन्मोहित कर देता है मुक्त कर देता है। दूसरा तरह का बोले आकर्षणी विश्व ब्रह्मांड को जो आकर्षण करता है। तीसरा है आनंदिनी सबको जो आनंद प्रदान करता है, इसलिए कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसी ध्वनि करते थे, इसलिए दो तरह का बंसी बजाया करते थे, एक है सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते थे जो बंसी ध्वनि सबके सब सुन सकते हैं, जिसको कहते हैं सर्वभूत मनोहर। लेकिन कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते थे जिसको कहते हैं गोपीभूत मनोहर, जिस बंसी ध्वनि को केवल ब्रज गोपियां ही सुन सकती हैं। कभी बंसी कब बजाए, जब बंसी बट को नीचे खड़े होकर के जब बंसी ध्वनि की उसको कहते हैं गोपी भूत मनोहर। अगर वो बंसी ध्वनि सर्वभूत मनोहर होता तो क्या होता, संपूर्ण ब्रज ही उमड़ पड़ता बंसी बट को नीचे। लेकिन कृष्ण वहां पर जो बंसी बजाए जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, वो बंसी ध्वनि केवल उनकी बाम दृशा केवल उनका गोपियां ही बंसी ध्वनि सुनी, इसलिए राधा रानी सुन रही थी बंसी से तो केवल राधा 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 नाम निकल रहा है। ललिता सुन रही थी बंसी ध्वनि से केवल ललिता 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 शब्द निकल रहा है, और विशाखा सुन रही थी बंसी ध्वनि तो केवल मुझे विशाखा विशाखा बना रहे, इसलिए इसलिए जगो कलो बाम दृशा मनहरा, इसलिए केवल ही ब्रज गोपियों के लिए ये बंसी ध्वनि थी, इसलिए इसे उनको अलग अलग बंसी ध्वनि। लेकिन जो बंसी ध्वनि है एक का नाम मुरली,
मुरली उसमें कितना छेद है? बोले उसमें चार छिद्र है मुरली में। कहते वो बंसी को कब व्यवहार करते हैं? बोले जब राधा रानी ब्रज गोपियों को बुलाना हो तभी वो बंसी को व्यवहार करते जिसमें चार छेद वाले, लेकिन और एक में न छेद है, न छेद है। कहते उसको कब उन्होंने बजाए बंसी, उसको कहते जब कृष्ण बंसी बटक को नीचे खड़े होकर बजाते हैं तब वो बंसी ध्वनि बजाते हैं, और कभी कभी गैया को बुलाने के लिए भी उन्होंने कभी कभी वो बंसी को व्यवहार करते, इसलिए उनका बंसी की बड़ी चमत्कारिता। कहते एक भक्त हुए हैं बंगाल, बंगाल में एक कवि है, कहते इसमें जो ना छिद्र है बंसी में, जब एक छेद में दूसरे में तीसरे में चौथे में जब एक एक छेद में अलग 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 बजाया करते थे, उसका क्या चमत्कारिता। एक सुंदर उनने भजन लिखे हैं, उस भजन को बंगला में हम उसको पढ़ते हैं। बोले प्रथम रंध्र गाने ब्रह्मार भांगिल ध्याने, द्वितीय ते जमुना उजाने, तृतीय रंध्र कथा सुन वृषभानु सुता पवनेर हाय हत ज्ञान, चतुर्थ रंध्र ज्ञाने ब्रज गोपीर बाजे काने, उन्मत भ्रमरीर प्राये बसन परित नारे, निबिबंध खसी बड़े ए लोकेशसेई पृथिवी, पंचम रंध्र स्वरे आपने से धेनु फिरे पुन धेनु जाई ते ना पारे, उन्मुख धाये धेनु जेखाने बाजाए वेणु आगे आसी महामुख हरे। इसमें बंगला में ये बता रहे हैं, इसका मतलब है उसका जो पहला जो छेद है जब उसमें जब वो अपना फू मारते थे, उसमें जो ध्वनि करते थे, उसमें क्या होता था, ब्रह्मा जी का जो ध्यान है उनका ध्यान टलमल हो जाता था। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बंसी ध्वनि के ऊपर ही बहुत सारे श्लोक लिखे, उसमें एक श्लोक है बोले रुंधन भुप्रीत चमत्कृति मोहस्तु मुरु ध्यानासन, श्लोक में बताए जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते थे उस समय ब्रह्मा जी का ध्यान टूट जाता था, अनंत देव विचलित हो जाते थे, चतुसन भी उनको भी चतुसन का ध्यान टूट जाता था, विश्व ब्रह्मांड मुक्त हो जाते थे। इसलिए कहते प्रथम रंध्र गाने बाजिल अद्वितीय आते जमुना उजाने, जो दूसरे छेद में फू मारते थे उसमें क्या होता था, जैसे जमुना ऐसे बहती है वो जमुना उल्टा बहने लग जाती थी, उस समय जमुना इसको हम आगे जाकर सुनेंगे इधर से धारा बह रही है, जब दूसरे दूसरे फू मारे फिर जमुना उल्टी बहने लग जाते, फिर वहां पर क्या होता है भ्रमर बन जाता था, भ्रमर बन करके फिर सुंदर कमल फूल को लेकर के हाँ मानो जमुना देवी कृष्ण को चरण में उपहार दिया करती थी। कभी तीसरे जब छेद में फूंक देते थे बोले तृतीय रंध्र कथा सुन वृष भानु सुता पवने हाय हत ज्ञान, तृतीय रंध्र में जो फूंक मारते थे उसी समय जो पवन जो हवा है उसने हाय हाय हत ज्ञान, उस समय संपूर्ण हवा भी कृष्ण का बंसी ध्वनि से वो हवा भी विचलित हो जाता था। जब चतुर्थ छेद में जब फूंक मारते थे बोले चतुर्थ रंध्र ग्राने ब्रज गोपीर बाजे काने, उन्मत भ्रमरीर प्राय, चतुर्थ छेद में जब बंसी ध्वनि में जब फूंक मारते थे उसी समय ब्रज गोपियों को कान में उस आवाज पड़ती थी, राधा रानी को कान में, उस समय क्या होता था जैसे काजल लगा रहे थे ना, एक आंख में तो काजल लगाए और दूसरे आंख में काजल लगाना भूल गए, गले का जो हार थी उसको तो कमर में पहन ली, और कमर का जो करधनी थी उसको क्या किया गले में पहन ली है, और कपड़ा पहन रही थी इतने में बंसी ध्वनि हुई, कपड़ा है कपड़ा खिसकते हुए जा रहे हैं, उनको ध्यान नहीं, कपड़ा आधा कपड़ा पहन करके रास में आ गई, कोई गोपी बच्चे को स्तन पान करा रही थी दूध पिला रही थी उस समय में कृष्ण का बंसी ध्वनि हुई तो उस समय उसने त्याग दे दिया है, कोई पति को खाना खिला रही थी, कोई चूल्हे में रोटी बना रही थी सब्जी बना रही थी, कृष्ण का बंसी ध्वनि सुनते ही कहते वो सब के सब छोड़ करके उसी अवस्था में छोड़ छोड़ कर चले गए। बोले कृष्ण जब चतुर्थ छेद में
जब उसमें फूंक मारते थे। बोले बसन परित नारे निबिबंध खसी पड़े एलो कैसे सही पथ धाए। इसलिए कहते ये चतुर था, बंसी ध्वनि में वस्त्र उसी समय छोड़ दिए और जो कपड़े कपड़े पहन रहे थे वो उसको सुनते कपड़ा कब खिसक गया उनको पता ही नहीं चला, कब उनकी कपड़ा खिसक गया शरीर से। कहते चतुर्थ छेद में और पंचम छेद में बोला पंचम रंध्र स्वरे आपने से धेनु फिरे पुन धेरु जाई ते ना पारे। कृष्ण जब पंचम छेद में फू मारते थे उस समय जब कृष्ण गया चराने के लिए जाते थे उसी समय में वो बंसी ध्वनि व्यवहार पंचम छेद वो व्यवहार करते थे और उसको सुन कर क्या होता था सुर्ग सुर के धेनु अगर बहुत दूर में उनका गया अगर चढ़ते हुए होंगे जब कृष्ण माला लेकर उनका 160 माला होता था है? हम भी माला जप करते कृष्ण भी माला जप करते हैं लेकिन हम तो भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान भक्तों का नाम लेते हैं। हाँ कौन कौन जो जूत जो गोष्ठ का धेनु आ गया कौन आया कौन नहीं आया कृष्ण जब जगते थे अरे ये धेनु अभी आया नहीं भैया नहीं आया कृष्ण फिर उसका नाम लेकर के धवली श्यामली कृष्णा ऐसे करके फूंक मारते थे और उसको शब्द सुन करके जो गैया चरते थे एकदम पूछ खड़े करते हुए भागते हुए आते थे। और जब कभी कभी कृष्ण बंसी में एक धेनु को बुलाया पास में और कोई धेनु चल रही थी उसने सोचा कृष्ण क्या बोला उसी धेनु को बुलाया मेरे को नाम नहीं बुला धेनु मान कर लेता मेरे को नहीं बुलाया कभी उसको बुलाया फिर कृष्ण उसको नाम को बोले कभी बुलाता फिर खुश होकर के वो भी आता था। इसलिए अपने से धेनु फिरे पुनः धेनु जाई ते ना बारे हैं। इसलिए कभी कभी धेनु लौट करके आते हैं लेकिन ऐसे बंसी ध्वनि करते हैं जो धेनु और वापस नहीं जा सकते थे। बोले उन्मुख धाय धेनु जे खाए बाजाए बेणु आ गया सी महा मुखरे। इसलिए धेनु आकर के कृष्ण का मुखारविंद को दर्शन करती थी। उसमें 5 तक लिखा लेकिन 6 7 8 9 और 4 छेद है लेकिन अभी मेरा दूसरे खाता में लिखा हुआ कभी आऊंगा तो उसको बताऊंगा। अभी हम श्रवण करेंगे वेणु गीत में श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। बोले इथम शरद स्वस्य जलम पद्माकर सुगंधिना नेविसद वायु नाबातम स गोपालक अच्युत। यहाँ पर कृष्ण जब उन्होंने बंसी है वेणु गीत को गाए बोले वो ऋतु कौन है बोले शरद ऋतु है। बोले शरद ऋतु का क्या विशेषत्व है बोले भगवान के अक्षर करके जो मधुर लीला उन्होंने शरद ऋतु में किया बोले जैसे रास लीला है बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांग उपाश्रिता। रासलीला भी शरद ऋतु में किया बोले शरद ऋतु में क्यों किया बोले कारण है उसी ऋतु में सारे जो फूल है बेली चमेली जूही केतकी जितने फूल है सबके सब शरद ऋतु में ही ये फूल खिलता है सारे फूल खिलता है उसी ऋतु में। और उसी ऋतु में क्या होता है कि तो उसको जो पहला ऋतु गया है ग्रीष्म वर्षा उसको बाद में आता है शरद। कहते ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में आप देखना यहाँ पर तो कोई दो ऋतु ठंडा एक गर्मी थोड़ी सी आ जाता है लेकिन हमारे भारत में एक साथ में 6 ऋतु एक एक ऋतु आपको पता चलेगा अभी ग्रीष्म आ गया अभी वर्षा आ गया अभी शरद आ गया अभी बसंत आ गया एक एक ऋतु आपको पूरा 6 ऋतु आपको देखने को मिलेगा है 6 ऋतु मिलेगा आपको। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में उसी समय बहुत गर्म पड़ता है गर्म में सारे पेड़ सूख जाते हैं और जितने सब नदियां का पानी एकदम क्षीण हो जाता है और जितने सारे जीव जंतु गर्मी में एकदम व्याकुल हो जाते हैं लेकिन उसके बाद में आता है वर्षा। वर्षा में उमड़ झुमड़ तो हुए कभी कभी बारिश होता है मूसलधार से बारिश कभी कभी होता है रिमझिम 2 महीना होता है बारिश ऋतु 2 महीना तक केवल बारिश ही बारिश ही 2 महीना तक होगी और इतनी बारिश होगी बारिश होने से क्या होगा
सारे जो नदी पानी एकदम लबालब भर जाता है, झरना में पानी लबालब भर जाती है, चारों तरफ में पानी 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 पानी, हरियाला आ जाती है, सभी को जान में प्राण आ जाता है, कहती है वर्षा ऋतु आने पर। लेकिन इस शरद ऋतु का क्या विशेषत्व है? कहते वर्षा ऋतु में जो पानी होता है वो मिट्टी मिला हुआ होता है, तो बहते हुए पानी आती है, मिट्टी मिला हुआ होता है। लेकिन शरद ऋतु आने पर वो जो पानी, उसका जो मिट्टी मिला हुआ पानी, एकदम पानी निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है शरद ऋतु में पानी, और कमल का फूल खिल जाता है। हाँ, वर्षा ऋतु में फूल नहीं खिलता है, शरद ऋतु में ही सारे फूल, जितने सुंदर सुंदर फूल चारों तरफ में एकदम फूल खिल जाती है ये शरद ऋतु में। और बड़ा सुंदर पानी में लहरें आती हैं, और फूल गोबर में झुंड का झुंड भ्रमर आकर के उसके ऊपर बैठ करके गुंजायमान करते हैं, गुंजायमान करते हैं। और वृंदावन में तो भ्रमर गुंजायमान नहीं, सब कृष्ण कीर्तन करते हैं, कोयल कुहुकती नहीं, सब कृष्ण कीर्तन करते हैं, वहां के जितने पशु पक्षी है। इसलिए बोले वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे। वहां पर सब के सब पशु पक्षी सब के सब राधा रानी के नाम गाते हैं। इसलिए एक भजन है, बोले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, कोयल भी बोले राधे, पपिया भी बोले राधे, यमुना के धार से आवाज आई राधे राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, कृष्ण के मुरली से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। इसलिए वहां के सारे पशु पक्षी श्री राधा कृष्ण की सब के सब गुणगान गाते हैं, और चारों तरफ में हरियाली हरियाली। श्री हमारे श्री कवि कर्णपुर वर्णना करते हैं वृंदावन में, हैं? जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, वहां पर हमें पता है एक वृक्ष में एक तरह का फूल होता है, लेकिन वहां पर कृष्ण सेवा के लिए वृंदा एक वृक्ष में आपको सारे फूल आपको एक वृक्ष में मिल जाएंगे, जूही चमेली बेली केतकी जो मांगोगे, क्योंकि वृंदावन का जो वृक्ष है क्या है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्यावृत सुरभि रवि पालयंतम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम शब्दमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वहां का भूमि चिंतामणि, वहां का वृक्ष कल्प वृक्ष है, वहां पानी नहीं वो सब के सब अमृत है, वहां पर बोलना नहीं, अगर कोई कुछ बात बोलते हैं लगता है बड़े सुंदर सुरीले कंठ से भजन गा रहे हैं, वहां पर पानी नहीं वो अमृत है, वहां पर कोई अगर चल करके जाता है ना ऐसे लगता है बड़े सुंदर नृत्य कर रहा है, बड़े सुंदर नृत्य कर रहे ऐसे लगता है वहां। इसलिए वृंदावन के कहते एक वृक्ष में हर तरह का फल मिलता है, और एक वृक्ष में हर तरह का फल भी मिल जाएगा, जो मांगोगे चीकू मिल जाएगी, केले मिल जाएगा, अंगूर मिल जाएगा, नाशपाती मिल जाएगी, एप्पल मिल जाएगी, एक वृक्ष में सारे फल मिलता है। और एक वृक्ष में हमें पता है एक तरह का पत्ता होगा, लेकिन एक वृक्ष में वहां पर हर तरह का पत्ता आपको एक वृक्ष में ही मिलेगा। वहां पर वृंदा देवी कृष्ण सेवा के लिए अद्भुत रूप में से वृंदावन धाम को सुंदर रूप में सजाया करते हैं, इसलिए पूरा शरद ऋतु में अपूर्व रूप में शरद ऋतु में वृंदावन धाम कृष्ण सेवा के लिए बड़े सुंदर में सज जाती हैं। इसलिए बोले बोले कुसमित बन राजी सुस्मी भृंगम द्विजकुल घुट सरसरित महिंद्रिम मधुपतिरवगाह्य चारयन गा सह पशुपाल बल सुकुज वेणु।
यहाँ पर वर्णना करते हैं वृंदावन धाम कितने सुंदर है और कृष्ण कैसे गैया को चराने के लिए कैसे अपना सखाओं के साथ में कैसे चलते हैं और कैसे सुंदर सुंदर बंसुरी बजाते हैं। बोले कैसे बजाते हैं? बोले कुसमित बनराजी सुस्मि भृंगम, कहते जितने सारे वृक्ष में हैं सुंदर रूप में जो कुसुम जो पुष्प खिल जाता है, खिलने पर जितने भौरा आकर के पुष्पों के ऊपर वो बैठ करके सबके सब मधु को आस्वादन करते हैं, हैं? बड़े सुंदर गुंजायमान करते करते हुए आस्वादन करते हैं। और वहां के जितने सबके सब पक्षी भी सुंदर सुंदर कलरव करते हैं वहां पर, और वहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन है और कृष्णा जब सखाओं के साथ में गैया चराते हुए जाते हैं, सखा लोग भी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सबके सब कृष्ण के साथ में जय जयकार करते हुए श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। अब विशेष करके कृष्ण जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, सुंदर कृष्ण बंसी ध्वनि बजाते हैं। बंसी ध्वनि सुन करके जितने वृंदा देवी हैं कृष्ण लीला की मधुर लीला में वृंदा देवी मदद करती है, वृंदा देवी सारे वृक्षों का आदेश देती है, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर को स्वागत करो, हैं? श्याम सुंदर आ गए, उसमें क्या होता है सारे वृक्ष में फूल खिल जाती है, फूल सुंदर सुंदर फूल खिल जाती है। और कृष्ण जब गोचारण करते हुए चले आते हैं, कृष्ण प्रवेश करते ही तो सुंदर सुंदर फूल खिल जाता है, और जब कृष्ण चले आते हैं वो जितने फूल है ना मुरझा जाते हैं, क्योंकि वो फूल कोई साधारण फूल नहीं, ये तो कृष्ण सेवा के लिए है। कृष्ण आए तो उनको स्वागत करते हैं, अगर कृष्ण चले गए फिर हमारे जीवन का क्या लाभ है, इसलिए उस सब के सब मुरझा जाती है उस समय। कृष्ण जब प्रवेश करते हैं, हाँ, और जितने सारे वहां का हिरण सुंदर सुंदर मयूर पक्षी और जितने सात पक्षियां कृष्ण के साथ में चलते हुए चलते हैं, कृष्ण जब चलते हैं और जब कृष्ण वापस आते हैं वो सबके सब आ कृष्ण के साथ में आते हैं। आकर कृष्ण जब घर में चले आए वो आस में जो झाड़ी और लता बता होता है ना वहीं पर सब पशुओं के सो जाते हैं। फिर कृष्ण जब दूसरे दिन गैया चराने के लिए जाते हैं, फिर कृष्ण के साथ में सबके सब, फिर कृष्ण के साथ में चलते हुए जाते हैं कृष्ण के साथ में, क्योंकि वृंदावन का सारे जितने पशु पक्षी गुल्म लता रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये सब के सब कृष्ण सेवा ये लोग करते हैं, इसलिए वहां का जो तृण गुल्म लता जो कोई साधारण वस्तु नहीं, सब कृष्ण सेवा के लिए वहां पर सबके सब वहां पर प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मानो कृष्ण प्रवेश करते ही जो वृक्ष में जो पुष्प खिल जाती है, पुष्प खिलना नहीं बोलो वो क्या है, वो सबके सब हंस रहे हैं, कृष्ण आए ना वो सबके सब हंस रहे हैं कृष्ण को देख करके, हैं? इसलिए हम कहते हैं ना कृष्ण का जो हंसी उनका पुष्प को साथ में उदाहरण देते हैं, सारे वृक्ष हंस रहे हैं कृष्ण आने पर, हाँ, इसलिए वृंदावन का वृक्ष सबके सब कृष्ण सेवा में उस सबके सब मदद करते हैं। इतने में उसी समय में ब्रज की जो गोपियां वो कहां पर बैठी हुई गीत को कौन गा रही है, कहते राधा रानी और ब्रज गोपियां ये बैठ गीत को गा रही है, कहते ये लोग कहां पर है, बोला अपना घर में बैठे, घर में बैठी बैठी करके अपना भाव नेत्रों से सब लीलाओं को दर्शन करते, भाव नेत्रों से दर्शन करते हुए वहीं पर बैठ बैठी करके गोपियां सुंदर सुंदर ये श्लोक को उच्चारण करते हुए, इसलिए सब अपना प्रेम से एक एक श्लोक को गाते हैं। जब श्लोक गाते हैं जैसे एक गोपी कृष्ण का माधुर्य को सुंदरता को वेणु ध्वनि को एक गोपी ने बोली, दूसरी गोपी कहती है तू मेरे मन की बात जैसे बोल दिया हो, मैं भी यही बोलना चाह रही थी, हैं? मैं भी यही, इसका मतलब है इनकी जितने हृदय है ना वो राधा रानी भाव से तदात्म्य है, उनके एक आत्मा है जैसे, इसलिए ये इस सब के सब एक साथ में बैठ करके ब्रज गोपियां भाव नेत्र से देखते हुए सब एक श्लोक को द्वारा कृष्ण की माधुर्य को वर्णना करते हैं। बोले श्री वेणु गीत की, बोले श्री राधा रानी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। पर जब हम वापस आएंगे फिर हम इसको कंटिन्यू सुनेंगे, उसको पहले बाद में किया जाएगा, ठीक है? बंद कर दिया।